एपिसोड वन की शुरुआत सिंह सियान से होती है, जो सियान गॉड ड्रीम के अंदर बहुत सारे डीमन से लड़ रहा होता है। तभी पीछे से कुछ डीमन अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन होंगमिंग वहां आकर अपनी पावर से उनको मार देता है और सिंह सियान को बचा लेता है। डीमन ने वहां चारों तरफ मैजिक फॉग फैला दिया था, जिसे होंगमिंग तुरंत अपनी पावर से खत्म कर देता है। इसके बाद सियान को दिखाया जाता है, जो बाकी बचे डीमन को खत्म कर देता है। होंगमिंग ने यहाँ आकर सियान गॉड ड्रीम को बचाने में हेल्प किया था, इसलिए सियान होंगमिंग को थैंक यू बोलता है, जिस पर होंगमिंग कहता है कि मैं तुम दोनों सुप्रीम को अपना भाई समझता हूँ, इसलिए थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जैसे ही पता चला कि डीमन ने यहाँ अटैक किया है, मैं तुरंत ही आ गया। लेकिन होंगमिंग हैरान होता है कि डीमन सबसे पहले होंगमिंग गॉड ड्रीम पर अटैक करते थे, फिर इस बार उन्होंने यहाँ पर क्यों अटैक किया। तभी अचानक से डीमन लॉर्ड पीछे से सियान और सिंह सियान पर अटैक करने आता है। यह देखते ही होंगमिंग तुरंत उसका सामना करता है और अपनी पावर से उसे खत्म कर देता है। लेकिन इस दौरान दोनों को बचाने के लिए होंगमिंग खुद बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसके बाद होंगमिंग कहने लगता है कि सबसे पहले यहाँ अटैक करना डीमन गॉड का एक ट्रैप था। तभी पीछे से दोनों सुप्रीम होंगमिंग को स्टैब कर देते हैं और होंगमिंग और भी जख्मी हो जाता है। दोनों की इस हरकत से होंगमिंग हैरान होता है। वह दोनों को अपना भाई समझता था, फिर दोनों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब दोनों रिवील करते हैं कि वह पूरे गॉड रिल्म पर राज करना चाहते हैं, इसलिए दोनों ने उसे मार दिया और अब उसके सोल पावर की कोर भी लेने वाले हैं। फिर इसके बाद सियान होंगमिंग को और भी जख्मी कर देता है। तब होंगमिंग सिंह सियान से अपनी वाइफ को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर सियान कहता है कि हम उसे भी नहीं छोड़ने वाले हैं और साथ में तुम्हें हमेशा के लिए पुनर्जन्म का कर्ज भी देने वाले हैं। यह सुनकर होंगमिंग गुस्से में कहता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगले ही पल सियान उसे मार देता है और अब होंगमिंग की सोल कोर बाहर आ जाती है। उसकी सोल कोर बहुत ही स्ट्रांग थी, इसलिए सिंह सियान और सियान तुरंत ही उसे पुनर्जन्म का कर्ज दे देते हैं, ताकि होंगमिंग का नामो निशान खत्म हो जाए। लेकिन होंगमिंग भी दोनों से अपना बदला लेने का प्रॉमिस करता है। अब अगले सीन में हम रुयाना को देखते हैं, जिसकी अब टैन फैमिली में शादी होने वाली है। फिर भी वह अपने बॉयफ्रेंड जियानाम से मिलने आई है। फिर इनकी बातों से पता चलता है कि असल में जियानाम और रुयाना की फैमिली टैन फैमिली को खत्म कर देना चाहती है, इसलिए रुयाना जब टैन यू के साथ प्रेयर करने जाएगी, तब इनका एक नौकर टैन फैमिली को जहर वाला वाइन पिला देगा और टैन फैमिली मारी जाएगी। लेकिन बाहर खड़ा टैन यू उनकी सारी बातें सुन लेता है और दोनों को साथ में देख लेता है। आज टैन यू को पता चल जाता है कि रुयाना उसे चीट कर रही थी और वह दुखी हो जाता है। इसके बाद जियानाम टैन यू का मजाक उड़ाने लगता है और उसकी फैमिली को बर्बाद करने के बारे में बात करने लगता है। तब टैन यू भी गुस्से में कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी मेरी फैमिली को कुछ नहीं कर सकता। उसकी यह बात सुनते ही जियानाम भी गुस्सा हो जाता है और टैन यू को पीट कर अधबरा कर देता है। यह देख रुयाना घबरा जाती है। तब जियानाम कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे फादर अब 8वीं लेवल की स्प्रिट फिटल रिल्म पर प्रमोट हो गए हैं और इसके ना होने से हम टैन फैमिली को और भी आसानी से खत्म कर देंगे। टैन यू बेहोश पड़ा उनकी सारी बातें सुनता है और आखिर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन तभी वहां पर होंगमिंग की सोल स्प्रिट आती है और उसकी जान बचाकर अपने पास लेकर चली जाती है। यह देख टैन यू हैरान होता है और उसके बारे में पूछता है। तब होंगमिंग की सोल स्प्रिट उसे बताती है कि असल में टैंग यू होंगमिंग सुप्रीम है, जिसे सिंह सियान और सियान ने मार दिया था। लेकिन उसकी सोल स्प्रिट पावरफुल होने से दोनों उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा के लिए पुनर्जन्म का कर्ज दे दिया। लेकिन अब तुम आखिरी हो, इसलिए अगर तुम मर जाओगे तब होंगमिंग की सोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन टैन यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तब होंगमिंग की सोल स्प्रिट उसकी पूरी मेमोरी रिस्टोर कर देती है, जिसके बाद टैन यू को अपने बारे में सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद टैन यू अपने दुनिया में होता है और अपने दुश्मनों से बदला पूरा करने का डिसाइड करता है। अब टैन यू यहाँ से जाने लगता है, तभी उसे खोजते हुए यूकिन भी यहाँ आ जाती है। लेकिन इस बार जब टैन यू उसे देखता है तो समझ जाता है कि यूकिन ही उसके वाइफ की पुनर्जन्म है। अब टैन यू उसके पास जाता है और उसे अपने लिए वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए कहता है।
असल में युकी इन टैन्यू से बहुत प्यार करती है, लेकिन टैन्यू ने युकी से शादी करने से इनकार कर दिया है। फिर भी वह टैन्यू से बहुत प्यार करती है। इसके बाद टैन्यू भी प्रॉमिस करता है कि इस लाइफ में वह उसे खुद से कभी भी दूर नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ शादी की पूरी तैयारी हो चुकी होती है और रुजाना भी वहाँ पर आ गई होती है, लेकिन टैन्यू वहाँ नहीं होता और उसके पेरेंट्स घबराने लगते हैं। तभी टैन्यू वहाँ पर एंट्री करता है, जिसे देख रुजाना और जियाना हैरान हो जाते हैं। फिर टैन्यू सबके सामने रुजाना से शादी करने से इनकार कर देता है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह चीज लियू फैमिली के लिए शर्मिंदगी की बात थी। अब रुजाना का फादर टैन्यू के फादर पर गुस्सा होने लगता है, जिसके बाद टैन्यू के फादर गुस्से में टैन्यू को पीटने जाते हैं। लेकिन फिर टैन्यू की मदर उनके सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हमें टैन्यू की बात भी सुन लेनी चाहिए। अब रुजाना का फादर वही समझ जाता है कि उसकी सच्चाई बाहर आने वाली है, इसलिए वह तुरंत ही टैन्यू की फैमिली को मारने की धमकी देता है और उनके सामने अपने पूरे गार्ड्स को लेकर आ जाता है। लेकिन इसमें सीतू फैमिली भी इन्वॉल्व थी, इसलिए जियानाम का फादर तियानलुन भी टैन फैमिली के खिलाफ उतर जाता है और यहाँ का माहौल बिल्कुल एक बैटल ग्राउंड जैसा हो जाता है। इसके बाद टैन्यू सभी के सामने नौकर को वाइन पिलाता है, जिससे नौकर वहीं पर मर जाता है। फिर टैन्यू सभी को बताता है कि लियू और सीतू फैमिली मिलकर टैन्यू फैमिली को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस पर बोई कहता है कि टैन्यू ने शादी कैंसिल करके उसकी बेइज्जती की है, इसलिए अब पूरी टैन फैमिली को इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। जिसके बाद तियान लून भी टैन्यू की फैमिली को मारने की धमकी देने लगता है। यह देख सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि तियान लून 9वीं लेवल की स्प्रिट फिटल रिन पर है और बोई भी 8वीं लेवल की स्प्रिट फिटल रिन पर है, जिनको एक साथ रोकना टैन्यू के फादर के बस की बात नहीं थी। फिर लोग यहाँ पर मौजूद मेडिसिन मास्टर के बारे में बात करने लगते हैं, जो स्प्रिट फिटल रिन के 9वीं लेवल पर है और अगर वह चाहे तो टैन्यू की फैमिली को बचा सकते हैं। अब टैन्यू के फादर मेडिसिन मास्टर से जस्टिस मांगते हैं, लेकिन मेडिसिन मास्टर कुछ नहीं करते, क्योंकि टैन्यू ने सबके सामने लियू फैमिली की बेइज्जती की थी, जबकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि लियू और सीतू फैमिली ने उनके खिलाफ साजिश रचा था। फिर टैन्यू मेडिसिन मास्टर के सामने आता है और कहता है कि मेरे पास फीटल स्प्रिट पिल्स की प्रिस्क्रिप्शन है, जिसे आप बनाने की काफी समय से कोशिश कर रहे हैं। यह सुनते ही मेडिसिन मास्टर टैन्यू के पास आकर उसकी प्रिस्क्रिप्शन मांगने लगते हैं। तब टैन्यू कहता है कि मैं फिटल स्प्रिट पिल्स का प्रिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको एक महीने तक मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर मेडिसिन मास्टर जैसे ही टैन्यू की कंडीशन मान जाते हैं, टैन्यू वह प्रिस्क्रिप्शन उनको दे देता है। टैन्यू का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल करेक्ट था और मेडिसिन मास्टर एक महीने तक टैन्यू की फैमिली को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस देते हैं। यह देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फीटल स्प्रिट पिल्स का प्रिस्क्रिप्शन खोजना आसान नहीं था। अब रुजाना का फादर भी हैरान हो जाता है और मेडिसिन मास्टर से प्रिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए कहता है। फिर मेडिसिन मास्टर कहते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरह चेक कर लिया है, इसलिए अगर तुम दोनों ने टैन्यू की फैमिली के साथ कुछ भी किया तब मेरा सामना करने के लिए तैयार रहना। अब तियान लून और बोई कुछ नहीं कर पाते हैं और दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन तियान लून एक महीने बाद टैन्यू की फैमिली पर अटैक करने की धमकी देता है। उनके जाने के बाद टैन्यू के फादर टैन्यू से पूरी बात पूछते हैं और टैन्यू उनको जियानाम और रुजाना की पूरी बात बता देता है। टैन्यू की मदर हैरान होती है कि टैन्यू उस प्रिस्क्रिप्शन को कैसे जानता है। फिर टैन्यू अपने होंगमेंग सुप्रीम वाली असली पहचान बताने वाला होता है, लेकिन अभी इस चीज के लिए सही टाइम नहीं है, इसलिए वह झूठ कहता है कि यह प्रिस्क्रिप्शन उसे एक मास्टर से मिला था। अब टैन्यू के फादर वहां आए लोगों को विदा करने लगते हैं, क्योंकि अब शादी कैंसिल हो चुकी है, लेकिन फिर टैन्यू उन्हें रोकता है और कहता है कि मेरी शादी आज ही होगी। यह सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी मदर को लगता है कि टैन्यू की तबीयत सही नहीं है। फिर टैन्यू अपने फादर के सामने युकिन से शादी करने का प्रपोजल रखता है, जिसे सुनते ही युकिन हैरान हो जाती है और उसके हाथ से वेडिंग ड्रेस नीचे गिर जाता है। लेकिन अब टैन्यू मदर इसके लिए रेडी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पहले युकिन से ही उसकी शादी कराने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उस समय टैन्यू ने मना कर दिया था। तब टैन्यू अपनी मदर से कहता है कि मैं सच में युकिन से बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद टैन्यू की मदर उसकी बात मान जाती है,
लेकिन अपनी डिसीजन से पहले वह युकिन का डिसीजन पूछना चाहती है। तब टैन यू युकिन के पास जाता है और कहता है कि अगर आज यह सब नहीं हुआ होता फिर भी मैं रुयाना से शादी नहीं करने वाला था, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वह रुयाना नहीं तुम हो। उसकी यह बातें सुनकर युकिन इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम कितने सिंसियर हो। तब टैन यू उसे वेडिंग ड्रेस के बारे में बताता है जिसे टैन यू ने युकिन से खरीदने को कहा था। यह देख युकिन को टैन यू पर पूरा यकीन हो जाता है और वह उसके गले लग जाती है। फिर टैन यू उसे शादी के लिए पूछता है और युकिन उसे हाँ कर देती है। अब इसके कुछ समय बाद शादी शुरू होती है और दोनों जैसे ही प्रेयर करने जाते हैं कोई अपनी पावर से टैन यू को दूर फेंक देता है। यह देख टैन यू के फादर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही वह आदमी सामने आता है टैन यू के फादर उसके सामने घुटनों पर आ जाते हैं। फिर युकिन उससे पूछती है कि हम तुम्हें नहीं जानते, फिर तुम हमारी शादी क्यों रोकना चाहते हो। तब वह आदमी टैन यू की मदर से कहता है कि यह लड़की 15 साल पहले तुम्हें अपने भवन के गेट पर मिली थी और उसके साथ में एक लॉकेट भी था जिस पर नैन गोंग का कुछ वर्ड भी लिखा हुआ था। यह सुनकर टैन यू की मदर हैरानी से पूछती है कि तुम्हें यह सब कैसे पता। फिर वह आदमी नीचे आकर युकिन के सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं सर्वेंट डुयान हूँ और आपकी मदर ने मुझे आपको लेने भेजा है। लेकिन युकिन अब उसके साथ जाने से मना कर देती है। तब डुयान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपके सामने टैन यू की कोई औकात नहीं है। तब यह सुनकर युकिन गुस्से में डुयान को वहां से चले जाने के लिए बोलती है, लेकिन डुयान उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है क्योंकि युकिन की मदर ने उसे युकिन को अपने साथ लाने का ऑर्डर दिया था। इसके बाद टैन यू उसे रोकने जाता है, लेकिन डुयान उसे अपनी पावर से तड़पाने लगता है और कहता है कि जब हुआंग फू का प्रिंस भी युकिन से शादी करने के काबिल नहीं है तब तुम क्या चीज हो। इसके बाद डुयान टैन यू को मारने जाता है, लेकिन तभी युकिन डुयान से सुसाइड करने की धमकी देती है और टैन यू को छोड़ने के लिए कहती है। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना।